यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को जय सु। मैं आप सभी का मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आपको इस सत्संग के साथ जोड़े रखा है। आप जानते हैं सत्संग एक आध्यात्मिक भोज की तरह है, मैं उसमें आपका निमंत्रण करता हूं। आइए परिवार के साथ बैठिए, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में बैठिए। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु की वाणी सुनाई देती है, सुनाई जाती है, उन वाणियों में शक्ति और सामर्थ्य है। प्रभु का सानिध्य महसूस किया जाता है। आराधना के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को बड़ी बड़ी चंगाइयां मिलती हैं। विश्वास और भरोसे के साथ इसमें भाग लीजिए। कई भाई बहनों से हमें संदेश मिलता है कि प्रभु ईश्वर ने इन सत्संगों और आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा कितना काम किया है उनके जीवन में। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वचन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब आप वचन को सुनते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु के हृदय की ओर अपने कान को लगाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, उस अंतिम भोज के समय यौहन अपने कान को यीशु के हृदय पर लगाया हुआ था। हमें भी जब पवित्र वचन सुनते हैं उस समय हमारे कानों को ईश्वर के हृदय पर लगाए रखना चाहिए, यानी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वचन में हम पढ़ते हैं इसाया अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में, प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनिए। और आप जानते हैं कि यह सत्संग स्तुति के साथ शुरू होता है। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है, आप जानते हैं। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब मनुष्य स्तुति करने लगता है, ईश्वर की आराधना करने लगता है, उसके जीवन में प्रभु का आत्मा कैसे कार्य करता है। हम सभी की एक बुरी आदत है, मांगने की आदत है। कहीं जाते भी हो तो मांगने के लिए जाते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, स्तुति करना शुरू कीजिए। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हमें एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। दानियल और उनके मित्र यहूदी थे, ईश्वर पर विश्वास करने वाले, लेकिन परदेश में बाबुल में गुलाम की तरह ले जाए गए थे, लेकिन वे राज दरबार में ही थे। एक बार बाबुल का राजा नबूकदनेज़र ने एक उद्घोषणा की। उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई सोने की और ये उद्घोषणा किया कि जब वाद्य बजाया जाएगा, सारंगी बजाई जाएगी, वीणा बजाई जाएगी, उस समय सभी लोग, उसके राज्य के सभी लोग, उसके देश के सभी लोग नतमस्तक होकर उस मूर्ति की आराधना करेंगे। लेकिन दानियल और उनके मित्र ये करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सच्चे जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। और इसीलिए राजा ने दानियल के तीनों मित्रों को, उनका नाम क्या है, शद्रक, मेशक और अबदनगो, उनको आग की भट्टी में डाल देता है। उनको आग की जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। और आग की भट्टी में वे क्या करते हैं, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर की स्तुति गाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए लपटों के बीच टहलने लगे। ईश्वर की स्तुति कर रहे थे
और उन लपटों के बीच में वे टहल रहे थे। वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमा में और सर्वोच्च, तूने हमारे साथ जो कुछ किया उसे तूने न्याय के अनुसार किया, तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं, तेरे मार्ग सीधे और तेरे विचार उचित होते हैं। आगे वो कहते हैं, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। आगे वे कहते हैं, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारा मंडल प्रभु को धन्य कहो, वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम प्रभु को धन्य कहो। एक लंबी सी स्तुति। अंत में क्या होता है, वचन में लिखा हुआ है, राजा नेबुकदनेज़र बड़े अचंभे में पड़ गया, वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने तीन व्यक्तियों को बांध कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो चार व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं, चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नेबुकदनेज़र ने धधकती बट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक मेशक और अबेदनगो सर्वोच्च ईश्वर के सेवक को बाहर निकलाओ। इस पर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। छत्र, अध्यक्ष, राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, उनका बाल तक बाका नहीं हुआ था, उनके पैजामे झुलसे नहीं थे, ना ही कहीं जलने की गंध तक लपकाई। तब नबुकदनेज़र बोल उठा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करें जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया। देखिए, दानियल के मित्रों ने उस जलती हुई भट्टी में टहल कर परमेश्वर का गुणगान किया, नतीजा उन्हें कोई हानि नहीं हुई। इतना ही नहीं, वह कठोर क्रूर राजा परिवर्तित हो जाता है, ईश्वर के सामर्थ्य को देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में भी विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाती हैं, हमें भी इनकी तरह करना है, स्तुति करना है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में क्या लिखते हैं, 16 से 18 तक पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है, क्या सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और इस प्रकार हर समय प्रसन्न रहें। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आती हैं, भट्टियां आती हैं, हमें भट्टियों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी हम भट्टियों में ढकेले जाते हैं, गिराए जाते हैं। उन सारे क्षणों में हमें इन तीनों भाइयों को याद करने की जरूरत है। स्तुति कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, जीवन की हर एक बात के लिए स्तुति करना शुरू कीजिए, एक एक बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अभी कल की बात है, कल मैं सुबह कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कुछ औरतों की आवाज सुना और औरतें बाहर थी, रो रही थी। बाहर निकलने पर एक औरत ने कहा कि हमारी एक भैंस है जो बहुत दूध देती थी, हमारे परिवार के लिए आय का एक बहुत बड़ा साधन थी, लेकिन दूध देना बंद की है और वो खाती भी नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। साथ में कुछ गुड़ भी लेके आई थी, मैंने उस पर आशीष दी। मैंने कहा, आपको एक काम करना है, आपको यहां से लेकर घर तक प्रभु को धन्यवाद देते जाना है, प्रभु की स्तुति करते जाना है, ये कहते जाना है कि प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि तूने मेरी भैंस को चंगा किए, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। रोना धोना बंद करना, अभी से स्तुति कर घर जाना। मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु ने उस भैंस को चंगा किया है, उस परिवार को आनंदित किया है। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु भट्टियों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से उभरने के लिए सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, खोलकर बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के, मेरे घर के लिए, मेरे घर के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद, परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के सदस्यों, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद, एक एक वरदान के लिए, एक एक वरदान के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद, विश्वास के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद, यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद, प्रार्थना के वरदान के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, 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 हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जो तुझ पर भरोसा रखता है, जो तुझ पर भरोसा रखता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि, आनंदित हो, आनंदित हो, तुझे तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें कभी निराश नहीं होना, हालेलुया, 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 मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठाता हूँ, पर्वतों की ओर, हालेलुया, 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 मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर, क्या वहाँ से मुझे, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, सहायता मिलेगी, जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करेगा, वही सहायता करेगा, हालेलुया, 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 मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, मंदिरों को खुलने दीजिए, सामर्थ्य को उतरने दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जय का, दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जय का, दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जय का, दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे, उसकी जय जय का, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार, दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार, गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्यास हमारी बुझाता है वो, भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, अंधियारे ज्योति है वो, बंदे का मुक्ति दाता है वो, अंधियारे का ज्योति है वो, बंदे का मुक्ति दाता है वो, अंधियारे की ज्योति है वो, बंदे का मुक्ति दाता है वो, करे स्वर मिलाकर करे उसकी जय जयकार, दिल मिलाकर करे स्वर मिलाकर करे उसकी जय जयकार, गाएंगे उसी की जय जयकार, आगे बजाकर गाएंगे।
आराधना यीशु के नाम में। हालेलुया 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 आराधना 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 महिमा महिमा आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आइए। जो काम कर रहे थे उस काम को कुछ अलग रखिए, अपने को पूरी तरह से निर्वृत्त कीजिए। इस सत्संग में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जीवित परमेश्वर के सानिध्य में हैं। यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, एक पवित्र कार्य है, इसलिए प्रभु इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति के करीब उपस्थित है। हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, मन को प्रभु पे लगाइए, आंखें मन कीजिए। प्रार्थना में इस समय जुड़ जाइए मेरे साथ। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब है और प्रभु से बात कीजिए। अपने जीवन से संबंधित एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। क्या आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, प्रभु के सामने इस बात को रखिए। क्या आपके जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का आप अनुभव करते हैं, उस बात को प्रभु के सामने रखिए। क्या आपके हृदय और मन में बहुत ज्यादा तनाव है, उस बात को प्रभु के सामने रखिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी परिस्थिति को जान रहे हैं, आपको जानते हैं, आपकी पीड़ाओं को जानते हैं। एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने रखिए। विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़िए। दिल से प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं, मुझ पर दया कर। मेरा परिवार परेशान है, मेरे परिवार पर दया कर। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं जानता हूं कि तू मेरी आवाज को सुनता है, मेरी एक एक बात को देखता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू जिंदा है, जीवित है, तू सुनता है, बोलता है, देखता है, कार्य करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु यीशु, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तूने उस विधवा के दर्द को महसूस किया जिसका एकमात्र बेटा मर गया था। तूने उससे कहा रो मत। इस समय यीशु मेरे जीवन की एक एक बात को तू जानता है, देखता है, और तू कहता है रो मत बेटा, रो मत बेटी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पवित्र पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है, विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए और कहिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साहित कीजिए। आइए पवित्र आत्मा। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर इस समय हम प्रभु की आराधना करते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। इस सुंदर गीत को दोहराते जाएंगे और पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पवित्र आत्मा आपके बीच उतर आए, पवित्र आत्मा आपके मन में आए, आपके हृदय में, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में आए। पवित्र आत्मा आपके परिवार में समय आए और आपके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा को पुकारिए इस समय, इस गीत के साथ पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, ये शांति की आत्मा, ये प्रेम की आत्मा मेरे परिवार में उतर आ। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
अर्पण करूं मेरा ये मन, अर्पण करूं मेरा ये प्राण, अर्पण करूं मेरा ये प्राण, कर दो मुझे पावन 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 पवित्र आत्मा, ओ पवित्र वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे, शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे, शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे, शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र शक्ति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शक्ति का वाहक बना दो मुझे, शक्ति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शक्ति का वाहक बना दो मुझे, ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे, ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। दिसंबर के 25 तारीख को हम प्रभु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मनाते हैं, और प्रभु के जन्म के तारीख के बारे में हमें सुसमाचार में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सुसमाचार हमें इतना ही बताता है कि प्रभु का जन्म एक बहुत ही ठंडी रात को हुआ था, लेकिन कलीसिया ने 25 तारीख को क्यों निर्धारित किया? उन दिनों रोम के लोग अपने प्रमुख देवता सूर्य देवता का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को मनाते थे, और विश्वासियों ने कहा धर्म के सूर्य यीशु का जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाना चाहिए, ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए, संसार की ज्योति यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। इसलिए कलीसिया ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का पर्व मनाने को निर्णय लिया। आज करीब करीब सारे ईसाई लोग 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रभु के जन्मोत्सव से पहले करीब 25 दिन तक कलीसिया आगमन काल मनाती है। ये आगमन काल क्या के लिए है? प्रभु के जन्म के उस उत्सव के लिए तैयारी करने के लिए, छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा
प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा अपने आप को प्रभु के उस महान पर्व के लिए तैयार करने के लिए। कलीसिया ने इसलिए निर्धारित किया है ताकि हम विश्वासियों के लिए 25 दिसंबर मात्र प्रभु का जन्मोत्सव बनकर न रह जाए या बीते, बल्कि वह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभव का समय बने। इसलिए हम आगमन काल की तैयारी करते हैं। जब से मनुष्य ने पाप किया, उस समय से पवित्र बाइबल हमें बताती है, ईश्वर ने मनुष्य को एक मसीहा का वायदा दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से ही शुरू होता है कि ईश्वर ने एक मसीहा देने के लिए वायदा किया और हमारे पुरखों के द्वारा उस वायदे को दोहराया, नबियों के द्वारा उसको घोषित किया और अंतिम नबी जिसने यीशु के आगमन के लिए यहूदी समुदाय को तैयार किया वो नबी हैं यौहन बपतिस्ता। यौहन बपतिस्ता के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यौहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे और मात्र 6 महीने प्रभु यीशु से बड़े थे, लेकिन उनका जीवन और यीशु के जीवन में बहुत अंतर था। यौहन बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे और कठोर शब्दों में इसराइलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए, कठोर शब्दों में इसराइलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए। और इस प्रकार प्रभु यीशु को और उनके सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यौहन बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया। यौहन बपतिस्ता की उन घोषणाओं में से एक घोषणा पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे, लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 3:4-7 तक। वास्तव में यह इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 से लिया गया है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। यौहन बपतिस्ता ने अपने आप को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज कही है। अपने को बहुत तुच्छ समझते थे वो, मात्र पुकारने वाले की आवाज। आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। अगर तुम चाहते कि प्रभु तुम्हारे जीवन में आए तो प्रभु का मार्ग तैयार करो। मनुष्य स्वतंत्र है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। हम प्रभु का स्वागत भी कर सकते हैं, तिरस्कार भी कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3:20 आप बार बार सुनते हैं क्या लिखा हुआ है, वहां प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है, प्रभु ईश्वर जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आता है। अगर हम उनका स्वागत करेंगे तो आएंगे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु को आने के लिए मार्ग तैयार करो, उसका पथ सीधे कर दो। जब कोई भी बहुत बड़े व्यक्ति आपके यहाँ आने वाले हैं तो आप अपने रास्ते साफ करते, अच्छे करते हैं। आगे लूकास के समाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि यौहन बपतिस्ता ने 4 बात कही है वचन से उठाते हुए, उस पर हम मनन करेंगे। पहली बात, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक घाटी को भर दो। एक घाटी क्या है? पाप के द्वारा मनुष्य के हृदय में आने वाला खोखलापन। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19:4 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19:4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, पाप में आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके अंदर एक प्रकार की शून्यता है, खोखलापन है, गड्ढा है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं,
मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। पाप कितना खतरनाक है। पाप मनुष्य को खोखला बना देता है, मनुष्य को शून्य बना देता है, मनुष्य के अंदर एक गड्ढा पैदा करता है, मनुष्य को झुका देता है। पाप के कारण मनुष्य झुक जाता है, पाप के कारण हमारे अंदर एक घाटी उत्पन्न होती है, हमारे व्यक्तित्व में घाटी उत्पन्न होती है, खाई उत्पन्न होती है। जो पाप में जीवन जीता है, पाप में आदतों में जीता है, वो व्यक्ति खुलकर लोगों को देख नहीं पाता है, वो झुकता है, वो छिपता है। वचन में लिखा है कि हर घाटी भर दी जाए। आदम और एवा ने पाप किया, उन्होंने अनुभव किया कि वे नंगे हैं, छिपने लगे, अदन बगान से बाहर किए गए। पाप हमें खोखला बना देता है, शून्य बना देता, झुका देता है। वचन कहता है घाटी को भर दो। ये आगमन काल है अपने पापों और पापमय आदतों को पहचानने का और प्रभु की कृपा ढूंढने का, मांगने का कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दीजिए। मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं एक निष्पाप जीवन जीना चाहता हूं, मैं इन पापमय आदतों को छोड़ना चाहता हूं। शराब पीना, नशा, खाना पीना, गंदी फिल्में देखना, अश्लील चीजें देखना, गंदी बातें बोलना, पापमय कार्य करना, चोरी करना, चुगली करना, झूठ बोलना, इन सारी बातों से हमें स्वतंत्र होने का समय है। प्रभु के आगमन के लिए हमें मार्ग तैयार करना ही होगा, क्योंकि हमारे पर निर्भर है, हम स्वतंत्र हैं। हम मार्ग तैयार करके प्रभु का स्वागत कर सकते हैं या बिना मार्ग तैयार किए प्रभु का तिरस्कार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर घाटी भर देना, पाप में बातों को दूर से हटाना। उसके लिए हमें विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, हर एक पहाड़ पहाड़ी समतल किया जाए, हर एक पहाड़ पहाड़ी समतल किया जाए। ये पहाड़ क्या है, ये पहाड़ी क्या है जो हमारे और ईश्वर के बीच में है? सबसे पहले हमारा अहंकार, मैं, हमारा अहंकार ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार झुकने को तैयार नहीं, क्षमा करने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं, माफ करने को तैयार नहीं। अपने को बहुत बड़ा समझना, पवित्र समझना, जानकार समझना, हमारा ही अहंकार ईश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हमारा स्वार्थ, अपने ही बारे में सोचते रहते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, बहुत पाना चाहते हैं, बहुत पाना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ लूकास अध्याय 9:25 में, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा गंवा दे। लूकास अध्याय 12:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। बहुत पाना चाहते हैं, स्वार्थ, और इसके साथ साथ हमारी संपत्ति, हमारी चीजें, इतनी सारी संपत्ति है, संपत्ति से हमारा हम मोहित हैं, आसक्त हैं, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। लूकास अध्याय 18 के उस धनी इंसान के बारे में सोचिए जो यीशु से मिलकर पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, अंत में कहा, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। वो तैयार नहीं था, वो वापस उदास होकर चला जाता है। संपत्ति के प्रति मोह, ये हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हम प्रभु से मिल नहीं पाते, प्रभु का हम स्वागत नहीं कर पाते। हमारे अंदर लोगों के प्रति मोह है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, इतना मोह लगाव, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 19 में, जकेउस के बारे में,
कि जकेउस के बारे में लिखा वो प्रमुख नाकेदार थे, बहुत धनी थे और समाज के सामने एक बहुत बड़ा पापी थे। साथ ही साथ लिखा हुआ है वो नाटे थे, इसलिए यीशु को देख नहीं पाए क्योंकि उसके और लोगों यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यह बहुत सुंदर प्रतीक है, जकेउस नाटे थे, उसके और यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा थी, उसकी संपत्ति उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। इसीलिए यीशु से मिलने के बाद उसने क्या किया, क्या कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं। तो ये पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है, पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जकेउस ने क्या किया, उस पहाड़ पहाड़ी को समतल किया। अपनी कमाई, पाप की कमाई, आधी कमाई गरीबों को दे दिया, समतल किया। समतल करना जरूरी है, तभी प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। मैंने कई देखा है कि बहुत सारे मसीही लोग प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। बहुत कैथोलिक लोग भी परम प्रसाद लेते हैं, मेरे दिल में आइए बोलते हैं, लेकिन दिल में जगह है ये नहीं। प्रभु को निवास करने के लिए जगह नहीं है। आप किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाएंगे, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, सर्वत्र चीजें पड़ी हुई है, तो क्या होगा। हमें पहाड़ पहाड़ी को समतल करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते का मतलब क्या है, जीवन की का टेढ़ापन, जीवन का टेढ़ापन। जब हम जन्म लेते हैं हम कितने अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर टेढ़ापन आ जाता है। बड़े मजे की बात है, प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। ये बच्चों की खूबी क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बच्चा कोई चीज चोरी करता है, बच्चे भी चोरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और चोरी करता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां दिखाई देता है, बच्चा कुछ छिपा नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम हमारे अंदर छिपाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जितने हम अपने आप को सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उतना ज़्यादा हम छिपाने में सक्षम और समर्थ होते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं, हम टेढ़े हो जाते हैं। हिंदी में वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, पता नहीं किसी ने कह दिया और हम लोग उसको दोहराते हैं, उसका पालन भी करते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसीलिए लोग टेढ़ा कर देते हैं। क्या करें साहब, ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है, इसीलिए टेढ़ा कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मक्खन दे देगा, तुम्हें घी की क्या जरूरत है। तो हम भी इसी तरह करते हैं, हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, अपने व्यवहार में टेढ़े हो जाते हैं, अपनी बातचीत में टेढ़े हो जाते हैं। हमारी भाषा को सुनिए, कैसी कैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते कुछ और दिल में कुछ और है, हम टेढ़े हो जाते हैं बोली में, हमारे व्यवहार में हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, हमारे कार्यों में हम टेढ़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं धीरे धीरे टेढ़े होते हैं, बिल बनाते हैं, दुकान जाते हैं, ज्यादा लिखाते हैं, घूस लेते हैं, अलग अलग तरह से हम टेढ़े होते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है तो हमें टेढ़े मेरे रास्तों को सीधा करना है, हमारे टेढ़ेपन को बंद करना है। फिर जकेउस का उदाहरण लीजिए, जकेउस ने प्रभु से वायदा किया, प्रभु से के सामने प्रतिज्ञा की, जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्या मतलब इसका, मतलब यह है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद करता हूं। यीशु के आगमन के बाद जकेउस कहता है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर देता हूं, दूसरों को धोखा देने का काम बंद कर देता हूं। मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहों से मिला हूं जो यीशु के वचन को सुनने के बाद, यीशु के पास आने के बाद
पूरी तरह से सीधे हो गए हैं। जो टेढ़े मेढ़े काम करते थे वे सीधे हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे विश्वासी और मसीही हैं जो अभी भी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े हैं। टेढ़ी मेढ़ी बातें हर मामले में टेढ़ी। प्रभु का वचन कहता है अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए, मसीह हमारे जीवन में जन्म ले, हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना ही होगा। कई लोगों के मन में विचार है, उनका विचार यह है कि स्वामी जी आप तो आध्यात्मिक हैं, दुनिया में रहते समय हमें टेढ़े होना ही पड़ता है। ये सरासर गलत है। सुसमाचार सबके लिए लिखा गया है, सुसमाचार किसी साधु संत के लिए नहीं लिखा गया है, आम आदमी के लिए लिखा गया है, पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए लिखा गया है। यह मत बोलना कि दुनिया में रहते समय हम टेढ़ा होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम में और दुनिया में यही फर्क है। याकूब अध्याय 4:4 में याकूब क्या कहते हैं कि जो दुनिया से प्यार करना चाहता वो ईश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। हमें सीधे ही होना है किसी भी कीमत पर। आप सीधे रहेंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे, हमें टेढ़ा मेरा रास्ता सीधा करना है। हमें बाइबल में पहला राजा अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, नबी एलिशा के पास आराम का सेनाध्यक्ष नामान आता है। नामान कोढ़ी था। एलिशा के कहने के अनुसार अंत में नामान यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाता है और वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। फिर नामान एलिशा के सामने आ जाता है और जो उपहार लेके आया था सोना चांदी और अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र एलिशा को देना चाहता है। लेकिन एलिशा ने कहा मेरे ईश्वर की शपथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एलिशा के नौकर गैजी ने इसको देखा, उसने देखा कि गुरुजी के पास इतने उपहार आए लेकिन गुरुजी ने तिरस्कार किया और नामान वहां से चल दिया। गैजी एलिशा के नौकर धीरे से पीछे के दरवाजे से चला जाता है और नामान से कहता है आगे जाकर कि जरा ध्यान दीजिए मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। नामान ने कहा जरूर ले जाएं। उसको ले आकर पीछे रखा। उसके बाद गैजी एलिशा के सामने आया। एलिशा ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। गैजी झूठ बोलता है। एलिशा ने कहा कि वही रोग तुम्हें मिल जाएगा और उस समय से गैजी कोढ़ी हो गया। टेढ़ापन से यही हमें मिलता है। उसी तरह दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे उन दो न्यायाधीशों के बारे में जो उस निर्दोष नारी भक्त नारी सुजन्ना को मरवा डालना चाहते थे। क्या हुआ अंत में? वे ही स्वयं मार डाले गए। टेढ़ापन का यही फल होता है। वचन में लिखा हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किया जाए। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये टूटा फूटा रिश्ता, लोगों के साथ हमारा टूटा फूटा रिश्ता। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते। यौहन का पहला पत्र अध्याय 4:8 में लिखा हुआ है ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यौहन कहते हैं ईश्वर का अनुभव करना है तो तुम्हें प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करना है तो तुमको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा। यौहन का पहला पत्र अध्याय 4:20 में यौहन क्या कहते हैं? यौहन कहते हैं अगर कोई कहता है तुम कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि अगर वो अपने भाई बहन को जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो ईश्वर को जिसको नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है। हम तब तक ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं होंगे जब तक हमारे हृदय में मेल मिलाप ना हो, जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ टूटा फूटा पड़ा है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते।
मैंने स्वयं ही अनुभव किया है, कई बड़ी बड़ी सभाओं में या साधनाओं में जब लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनके जीवन में बहुत कृपाएं बरसती हैं, विशेष करके बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिलती है, बड़े बड़े रोगों से। तो जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है, तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटा पड़ा है, अभी सही कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से क्षमा याचना कीजिए, बोलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, एक दूसरे से माफी मांगिए। जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। वचन में लिखा हुआ है लूकस अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। छोटा बनिए, दूसरों से माफी मांगिए, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से, आपस का तालमेल सही कीजिए, आपस का रिश्ता मीठा बनाइए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं आ सकते, आप एक अच्छा क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। यही कारण है क्रिसमस से पहले पहले, आजकल तो बहुत कम होता है, क्रिसमस कार्ड भेजा जाता था। क्रिसमस कार्ड के द्वारा हम अपने प्रेम को बांटते थे और दूसरों के प्रति मेल मिलाप का चिन्ह भेजते थे कि मैं आपको याद करता हूं, ये क्रिसमस आपके लिए अच्छा हो, आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा हो, मैं आपको याद करता हूं, हमारा रिश्ता ताजा बने, नया बने। यही कारण था कि क्रिसमस कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन आजकल तो सब बंद हो गया। क्रिसमस से पहले प्रभु के आगमन के लिए हमें अपने हृदयों को तैयार करना है, एक दूसरे के प्रति जो टूटा पड़ा है रिश्ता उसको सही करना है, तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के उस महान जन्म पर्व को मनाने के लिए तैयार करने का समय है। हमें सोच समझ कर भली इच्छा के साथ प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करना। जरा देखिए, सुनिए, याद कीजिए, जब प्रभु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूत ने ये घोषणा की, क्या स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, सबको नहीं, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हमें प्रभु की कृपा पात्र बनना है, ताकि उस बड़े दिन, उस क्रिसमस के दिन हमें प्रभु की शांति मिले, हमारे परिवारों को प्रभु की शांति मिले। इन चार बातों का ख्याल करना। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि घाटियां भर दी जाएं। ये समय है घाटियां भरने का, पापमय आदतों को छोड़ने का, पापमय रिश्तों को छोड़ने का, पापमय बातों को छोड़ने का, और अपने जीवन को सही करने का, भरने का। दूसरा है पहाड़ पहाड़ी को समतल करने का, हमारे अहंकार को तोड़ने का, नम्र बनने का, हमारे मोह को तोड़ने का, प्रभु के लिए ललायित होने का। और तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते को सही करने का, हमारे गलत सलत कार्यों को सही करने का, टेढ़ापन को दूर करने का, ईमानदारी लाने का, सत्य लाने का समय है। चौथा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हमारा दूसरों के साथ जो रिश्ता टूटा पड़ा है उसको सही करने का। ये आगमन काल हमारे लिए कृपा का समय हो, ताकि हम लोग इस समय प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच 24 रात को और 25 तारीख को जब हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। उस दिन हमारे और हमारे परिवार पर कृपा बरसे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन तूने ये भी कहा है मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा है, शायद वर्षों से खड़ा है, महीनों से खड़ा है, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे खटखटाने की आवाज को सुने, तेरे मृदुल आवाज को सुने और तेरे लिए द्वार खोल दे, ताकि तू हमारे जीवन में आए, परिवार के जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु, इन दिनों तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आने वाला क्रिसमस, तेरा जन्मोत्सव हमारे लिए वास्तव में एक अनुग्रह का उत्सव बने,
कृपाओं का उत्सव बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यह पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। सारे दिल से, सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे पास उतर आने वाले
जीवनदायी जीवनदायक रोटी, वो महान जीवनदाता प्रभु जो हमारे लिए मरकर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिए, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे। वो जिंदा है, वो जीवित है, इस समय इस परम प्रसाद के द्वारा आपके पास उनकी उपस्थिति पहुंच रही है, प्रभु की कृपा आपकी ओर पहुंच रही है, आपकी ओर बह रही है। इस समय हृदय को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस महान प्रतिज्ञा को आपके जीवन में इस समय पूरा होने दीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, इस प्रार्थना में भाग लेना, देखना नहीं बल्कि भाग लेना। आंखें मन करके प्रभु की आराधना में लग जाइए, हृदय खोलिए, इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके बंधनों को खोलने दीजिए, आपके पाप के कलंक को मिटाने दीजिए, आपके हर प्रकार के रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने दीजिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़े रहने, यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू वर्क मिरेकल्स एंड वंडर्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, समर्पित हो जाइए पूरी तरह से, प्रभु की आराधना में लग जाइए, अपने मन और हृदय को प्रभु के उठाइए। इस समय जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठा रहा हूँ उठाता हूँ, उसी तरह इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के उठाइए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी पुकार सुने, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाल लिया, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, उसने मेरे मुख में एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देख कर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया, धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया, और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं, जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर ये कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी पुकार सुनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा राधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन का आधार है, यह जीवन का सार है। जीवन का धार है, यह जीवन का सार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राम। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के राम। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राम। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राम। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मुक्तनाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। अपनी आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पर आगामी प्रभु की कृपापूर्ण समय के बारे में बताते हुए हम पढ़ते हैं, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबनान का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा, लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। बोलिए हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो, धारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। धारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा हुआ, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी।
सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है, प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, जो मरु प्रदेश जैसे लोग थे, जिनके हृदय में कोई खूबी नहीं थी, जिनके परिवारों में कोई खूबी नहीं थी, जिनके मन में कोई खूबी नहीं थी, प्रभु के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। प्रभु के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे कई नशेड़ियों को मैंने देखा है जो जानवर सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में प्रभु के आने से सब कुछ बदल जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। यीशु के हमारे जीवन आने से सब कुछ बदल जाता है। जकेउस के घर पे यीशु आए और जकेउस ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कई घरों में जाया करते थे, अलग अलग घरों में, और जिन जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीष और मुक्ति लेके गए। जकेउस के घर पहुंच गए, प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। लाजरुस के घर पे गए और उसके कब्रे के पास गए, लाजरुस जो मरा हुआ था चौथे दिन जिंदा हो गया। जायरुस के घर पे गए और जायरुस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, प्रभु के स्पर्श के द्वारा चंगी हो गई, जी गई। सिमियोन के घर पे गए, एक नारी जो पाप में जीवन जी रही थी उसको उद्धार मिल गया। काना नगर के विवाह भोज में गए, वहां पर जो कमी थी उसको पूरा किया गया। जिन जिन घरों में प्रभु गए उन घरों में प्रभु आशीर्वाद लेके गए। एक बहुत सुंदर हमारे लिए प्रतीक है, जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीर्वाद ले गए, कृपा ले गए, मुक्ति ले गए। हमारे जीवन में भी प्रभु के आने से मुक्ति का एहसास होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। यही आगमन है, यही क्रिसमस है, यीशु का हमारे जीवन में जन्म लेना। जिस तरह 2000 वर्ष पहले बेतलहम के गौशाले में यीशु जन्म लिए, एक चरणी में वे लिटाए गए, उसी तरह हमें भी अपने हृदय को एक चरणी बनाना है। जब हमारा हृदय चरणी बन जाएगा तो हमारे जीवन में भी प्रभु आएंगे। यीशु का आने हमारे लिए सुखद है, यीशु के आने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, परिस्थितियां बदल जाती है, जो बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाती है सुधर जाती है, हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारी गरीबी मिट जाती है। इसलिए यीशु के आने के लिए हमें तैयारी करनी है, यीशु के आने के लिए हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, अपने परिवार के द्वार को खोलना है, विश्वास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, पवित्र वचन पर भरोसा रखते हुए। आंखें बंद कीजिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, घर पे अलग अलग प्रकार की तंगी का एहसास होता है, परिश्रम करते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन मन में बैठता नहीं है, परिश्रम करते हैं लेकिन घर को चला नहीं पाते हैं, पैसा टिकता नहीं, रुकता नहीं है, परिवार में आशीष नहीं है, आपस में मतभेद है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है, एक तरह का ऐश्वर्य नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, बराबर लोग दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु यीशु तेरी आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए तरसती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। सच्चा है यीशु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी आवश्यकता है, वी वॉन्ट यू, मुझे तेरी जरूरत है। तूने यौवन के समाचार के अध्याय 4:10 में कहा, यदि तुम मुझे पहचानती है, जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, यदि तुम जानती कि ईश्वर का वरदान क्या है तो तुम उससे मांगती। तू ईश्वर का वरदान है यीशु। आज हे पिता,
तेरे पुत्र यीशु का हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में। आइए यीशु हमारे घरों में, आइए हमारे परिवारों में, आइए हमारी परिस्थितियों में, आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने समय और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना करते हुए समय बिताएंगे। और रविवार को आराधना के दौरान हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं, यीशु के नाम पर आज इस वक्त भी हम प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे पिता से। प्रभु यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। यीशु का नाम शक्तिशाली नाम है, यीशु का नाम मुक्तिदाता का नाम है, यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाते बचाता है। और इसीलिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यीशु के पवित्र नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य रोगियों को चंगा करते थे। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं, यीशु के नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हम में से जो रोगी है समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए, अपने पीड़ा को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के अध्याय 28 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है, हमारे रोगों पर अधिकार है, हमारे जीवन पर अधिकार है, सारे संसार पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, जीव जंतुओं पर अधिकार है, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। उस यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने रोग को समर्पित कीजिए, अपने शरीर को समर्पित कीजिए। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तूने कहा है मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। प्रभु तेरे आदेश का पालन करते हुए हम इस समय तेरे नाम पर ये कार्य कर रहे हैं, यीशु के परम पावन नाम पर। इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन जो कैसे भी रोग से पीड़ित हो, चंगाई प्राप्त करे, चंगाई प्राप्त करे, चंगाई प्राप्त करे। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए, हालेलुया यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, मृत्यु को हराने वाली यीशु के नाम पर, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, रोग के कारणों से इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले फिर एक बार मैं सूचनाएं सुनाता हूँ आश्रम के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहला मातृधाम रेडियो, उसका ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, जरूर आश्रम के इस रेडियो को सुने, 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं, जरूर सुनेंगे। दूसरा है रविवार को यह सत्संग होता है, सुबह मिस्सा होता है,
और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे लाइव करुणा माला, शाम को 7 बजे लाइव कृपाधारा, इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। हम प्रभु प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के दौरान जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में पकड़कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, उन सभी को, उन सभी को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी, रोगों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, मन करे बारंबार। मांगो प्रभु तेरा आभार, मांगो के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। वो सृष्टि की शोभा से, तारों के आभा से, मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, मन करे बारंबार।